हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस बिहाइंड द गूज बम्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। गूज बम जो है, दे आर कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टाइनी मसल्स। टाइनी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है गूज बम्स होते हैं। और वो टाइनी मसल्स क्या, कौन सी होती हैं? दे आर इरेक्टर पिलाई, जो कि सराउंड करती है हमारे हेयर फॉलिकल को। ईच हेयर हैज़ अ टाइनी मसल अटैच टू इट। हर हेयर के नीचे जो है एक टाइनी मसल अटैच होती है उसके साथ, जिसको हम बोलते हैं इरेक्टर पिलाई मसल। और टेक्निकल टर्म क्या यूज करते हैं हम गूज बम्स के लिए? इट्स हॉरिपाइलेशन। गॉट इट? नाउ विल डिस्कस हाउ इट टेक्स प्लेस। स्ट्रेसफुल कंडीशन के दौरान, या फिर ज़्यादा ठंड है, या फिर कोई भी स्ट्रेस है, उस दौरान जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। एंड देन फर्दर इट कॉजेज द इरेक्टर पिलाई मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इरेक्टर पिलाई मसल जो है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है एंड देयर साइज बिकम स्मॉलर देन द बिफोर। और उनका साइज जो है पहले से साइज कम हो जाता है। एंड द हेयर स्टैंड्स अपॉन द एंड एंड बिकम्स इरेक्ट। एंड देन जो है हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इट क्रिएट्स अ शेलो डिप्रेशन अराउंड द हेयर। हेयर के अराउंड जो है एक शेलो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, विच कॉजेज द बम्प्स इन द स्किन। स्किन में जो है वो बम्प्स कॉज हो जाते हैं। और कौन सा हॉर्मोन जो है इस दौरान वर्क करता है? इट इज द स्ट्रेस हॉर्मोन, कॉल्ड एज द एड्रेनल, जो कि ट्रिगर करता है इस फिजियोलॉजिकल चेंज को। वॉट इट? नाउ विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। दिस इज द हेयर फॉलिकल एंड दिस इज आवर स्किन एंड दिस इज द एपिडर्मिस लेयर एंड दिस इज द डर्मिस लेयर। हेयर फॉलिकल के साथ जो है इरेक्टर पिलाई मसल जो है वो अटैच करते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो है वो रिलैक्स करते हैं और हमारे हेयर जो है वो नॉर्मली फॉल करते हैं। बट स्ट्रेसफुल कंडीशन के दौरान जो है, गूज बम्प्स के दौरान जो है, ये इरेक्टर पिलाई मसल जो है वो टेंस्ड हो जाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिनकी वजह से उनका साइज भी स्मॉल हो जाता है और जिसकी वजह से जो है हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं, विच कॉजेज गूज बम्प्स। गॉट इट? अब इम्पोर्टेंस क्या है गूज बम्प्स की? ये जो है एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करती है। जब भी हमें कोल्ड फील होता है तो हमारे जो स्टैंडिंग हेयर्स होते हैं, गूज बम्प्स होते हैं, दे आर एबल टू ट्रैप मोर एयर। ये काफ़ी सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं और थर्मल रेगुलेट कर देते हैं एंड फॉर्म्स अ इंसुलेटिंग लेयर। एक इंसुलेटिंग लेयर बना देते हैं और जिसकी वजह से द बॉडी हीट इज नॉट रिलीज। बॉडी की हीट जो है वो बाहर रिलीज नहीं हो पाती एंड इट गेट रिटेन इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमें वार्म फील होता है। और कह सकते हैं हम इट एक्ट एज ए वार्मिंग मैकेनिज्म। एक वार्मिंग मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं गूज बम्प्स एंड इट हेल्प्स द मैमल्स सर्वाइव व्हेन इट इज कोल्ड आउट। गॉट इट? आई होप यू गेट द नॉलेज वट इज द साइंस बिहाइंड द गूज बम्प्स। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।